अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मम्मी जायका में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले रमज़ान स्पेशल ब्रेड पकोड़ा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और आसानी से बनने वाले इस ब्रेड पकोड़ा को एक ट्राई तो ज़रूर बनता है। ये देखिए, ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी है। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने 3 बॉइल्ड आलू लिए और आधी कटोरी बॉइल्ड मटर लिए। आलू को हमें अच्छे से मैश कर लेना है। इसके साथ ही हम मटर को भी थोड़ा सा मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, हल्का सा ही करना है। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक पैन के अंदर 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गरम हो जाने पर 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हम हींग ऐड करेंगे। इन सबको हमें बराबर से तड़का लेना है। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून चॉप किया गार्लिक डालेंगे और 1/2 टीस्पून ही जिंजर डालेंगे। कुछ सेकेंड के लिए इसको भून लेना है। एक मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक काट लिया, ऐड करेंगे। प्याज के साथ हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। अब हम इसके अंदर आलू और मटर डालेंगे। 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे और 1/2 कप कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको हमें अच्छे से मिला के 1 मिनट के लिए पका लेना है। इन सबका हमें मॉइस्चर यानी पानी सुखाना है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आलू की स्टफिंग एकदम ठंडी हो गई है। ये हमने ब्रेड्स को इस तरीके से काट लिया है। एक ब्रेड के हमने 4 भाग करें, आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं। एक ब्रेड के पीस के ऊपर आलू की स्टफिंग को अच्छे से फैला के लगाएंगे। इसको हल्के हल्के से दबा लें। अब हम दूसरी ब्रेड की स्लाइस को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और हल्के से दबा के प्रेस कर देंगे। सारी ब्रेड की स्लाइस को हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये हमने सारी ब्रेड स्लाइस के अंदर आलू की स्टफिंग को भर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। 1 कप बेसन को हमने छान के लिया है। इसके अंदर 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मीडियम थिकनेस का बैटर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। ये देखिए, हमने इस कंसिस्टेंसी का ये बैटर तैयार कर लिया है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम इसके अंदर 2 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे। इसको थोड़ा सा फेंट लेते हैं। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमने एक पैन के अंदर ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है। एक ब्रेड पकौड़ा को बेसन के गोल में इस तरीके से डीप करेंगे। एक्स्ट्रा का झाड़ लें और गरम ऑयल में डाल देंगे। कुछ देर के बाद इनको पलट लेते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इनको उलट पलट के फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। सारे पकौड़ों को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये हमने सारे ब्रेड्स पकौड़ा को फ्राई कर लिया है। दिखने में कितने ज़्यादा डिलीशियस और कुरकुरे लग रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं। पसंद आए तो लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।